कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। गंडक में लगातार पानी के खतरनाक तरीके से बढ़ने की वजह से सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ताकि बांध को ब्रिज ना हो, बांध टूटे नहीं, और इसके लिए ये 70 घाट का जो पुल है उसके ठीक पास में ये अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। इसके अलावा एक और जगह इस अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। ये सड़क जो है वो पूर्वी चंपारण को यानी कि केसरिया को गोपालगंज से जोड़ती है। पिछले साल ही ये पुल चालू हुआ था और इस अप्रोच की वजह से पिछले साल गंडक का जो सारण तटबंध है उस पर कई जगहों पर टूट हुई थी, जिसके वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो ये अभी पानी जो 4 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया है वो पानी यहाँ पहुँचने वाला है, उससे पहले ही ये व्यवस्था की गई है कि इस अप्रोच रोड को काट दिया गया है। जाहिर है कि जब ये पुल बनाया गया था 70 घाट और जो अप्रोच रोड है उसमें जो पुल जितना पानी निकासी के लिए पुल की ज़रूरत है वो पुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये परेशानी लगातार बनी हुई है। और ये अप्रोच काटने का मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक इस पर आवागमन नहीं हो पाएगा। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग, आप बताइए ये काटना क्या लगता है कि इससे बचाव होगा आप लोग? सर, काटने से बचाव क्या होगा, तो हर साल काटना पड़ेगा। जो ये नीति बना हुआ है पुल का उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कैसे ये 70 घाट पुल है और उसके बांध जो पर साल टूटा हुआ था, जहां पर टूटा हुआ उसके लेवल में इस रोड को बनाना चाहिए था। अब बीच में 3-4 जो है अप्रोच पुल देना चाहिए था ताकि पानी का निकासी हो सके, लेकिन ये पानी का निकासी सही रूप से नहीं होगा। तो हर एक साल जब यही गवर्नमेंट की रवैया रहेगी, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट की इंजीनियरों की रवैया रहेगी, तो हर एक साल काटना ही पड़ेगा। लेकिन ये काटने से बांध बचेगा? इसको काटने से मेरे समझ से तो नहीं बचेगा, इसलिए कि उधर बांध के नज़दीक जैसे उधर गड्ढा है, मैंने थोड़ा डाउन है और इधर ऊंचा है, अभी तो देख रहे इधर से उल्टा पानी जा रहा है, इसी गांव में जा रहा है। बांध को बचाया जाए, पब्लिक को उजाड़ दिया जाए, यही गवर्नमेंट की नीति है। पब्लिक को बचाइए, बांध बचेगा तभी ना पब्लिक बचेगा। तो बांध के अंदर में जो इतने पब्लिक बस गए हैं तो उसको बसाने के या तो साधन करे, नहीं तो उसका व्यवस्था करे कोई, तब ना होगा। इतना जल्दी तो जा नहीं सकता है। पहले साल भर पहले से होता, शुरू होता तो पुल बन गया होता तो परेशानी नहीं होती। ये दरअसल जल संसाधन विभाग बिहार सरकार ने एक अध्ययन कराया था जिसमें NIT के लोग शामिल थे और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर थे। उससे ये पता चलता है जो 70 घाट पुल बना है उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए पानी निकासी की वो उतनी ऊंचाई नहीं है, और अप्रोच में जो जितना पुल होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से करीब 800 मीटर तक अप्रोच रोड को काटना पड़ेगा, तब जाकर बांधों को बचाया जा सकता है। और यही वजह है कि चूंकि कल से जो पानी चला है अगले कुछ घंटों में ये 70 घाट पहुंचेगा, जो 4 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है, तो जाहिर तौर पर इससे खतरा बढ़ेगा। और इसको बांधों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अपने ही बनाए हुए अप्रोच पुल को काटने का फैसला किया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, 70 घाट पुल, पूर्वी चंपारण।